सागर हादसे में हुई 9 बच्चों की मौत के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी जिलों में जर्जर इमारत को हटाने के आदेश दिए हैं, जिसके चलते दमोह जिले के पथरिया में स्थित एक जर्जर मकान को प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद ध्वस्त कर दिया। दरअसल मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में जर्जर और पुराने मकानों को हटाने या दुरुस्त करने के आदेश दिए थे। इसी को देखते हुए पथरिया के वार्ड क्रमांक 7 में एक पुराने और जर्जर भवन को प्रशासन ने ढहा दिया। इस मकान में बीते कई सालों से मकान मालिक नहीं रहते थे, वो कहीं दूसरे शहर में जाकर रह रहे हैं। खंडहर हो चुका यह मकान बारिश के चलते कभी भी ढह सकता था, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को जोखिम हो सकती थी। हाल ही में दमोह कलेक्टर सुधीर कौचर ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वह अपने अपने क्षेत्र में जर्जर हो चुके भवनों को ढहा दे, ताकि किसी तरह की जनहानि की संभावना न रहे। इसी के तहत नगर पंचायत पथरिया ने इस भवन पर एक नोट स्टेटस पर किया था, लेकिन मकान मालिक यहां नहीं पहुंचे और सोमवार को पथरिया में यह कार्रवाई की गई। कई दशकों पुराने मकान को प्रशासनिक अमले द्वारा करीब 4 घंटे की मेहनत के बाद हटा दिया। वार्डवासियों ने बताया कि यह बिल्डिंग का पुराना हिस्सा है, जो करीब 3 साल पहले क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, जिससे बारिश के दिनों में ईंट पत्थर गिरते थे एवं दिन प्रतिदिन इमारत की स्थिति खराब होती जा रही थी। जैसे बारिश के दौरान ये मकान गिरने की जो घटनाएं हो रही हैं और उसमें मानव जीवन समाप्त हो रहे हैं, उसी के तारतम्य में कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो पथरिया में भी मीडिया से जो जानकारी मिली थी, उस मकान के बारे में जानकारी ली गई और क्षतिग्रस्त मकान को, जो कि मानव जीवन के लिए खतरनाक था, उसको गिराने की कार्रवाई करी गई। इसमें जो है नगर पालिका और हमारे तहसीलदार साहब की अहम भूमिका रही। आगे भी लगातार ऐसे जो मकान जिनमें कोई रहवासी नहीं रह रहे हैं, जीर्ण शीर्ण पड़े हुए हैं और उनसे मानव जीवन को खतरा है, और उन पर कार्रवाई की जाएगी। दमोह से विनोद उदेनिया की रिपोर्ट।